हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, द्वार से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। गांधीज ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5th ईयर पंचायती राज सिस्टम। तो गांधी का तो सिस्टम था कि हर एक गाँव भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर गाँव भी आजाद होने से रिपब्लिक होना चाहिए। तो वो उनका 3rd ईयर सिस्टम, 3rd ईयर सिस्टम से उनका ये ड्रीम भी क्या हो गया, सच हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिव्स अ ट्रेनिंग टू द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर स्कीम सच एज स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वरोजगार योजना, ये भी कल पढ़ा दिया था। द पंचायत सिस्टम हैज जस्ट ब्रॉट गवर्नमेंट क्लोज टू पेपर। इस वजह से पंचायत सिस्टम ने गवर्नमेंट को लोगों के क्लोज ले आए। पंचायती राज सिस्टम जो है एनश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दोज ऑफ वॉलंटियर एजेंसीज जो अपने मन से करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठाती है। द DRDA यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज जो होती हैं इन क्लोज कोऑपरेशन में जिला परिषद, जिला परिषद की काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन में होती हैं एंड रिलीज फंड टू ग्राम पंचायत अंडर द जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। सारी योजनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, जो फंड मिलता है वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग मिलता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डिमांड ड्रिवन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इज नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू पंचायत ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में है ये स्कीम। अब बेसिकली द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा इसको बोलते हैं। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड 100 डेज ऑफ वर्क इन ईयर विच इन्वॉल्व अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर बोला गया कि 365 दिन में से 100 दिन तो आपका पक्का काम मिलेगा ही मिलेगा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए बेसिकली था गाँव में। और इसके अंदर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास इसके लिए तभी आपको काम मिलेगा, नहीं, अनस्किल्ड हो गए तभी आपको गवर्नमेंट गारंटी दे दी कि 365 में से 100 डेज तो मैं आपको काम प्रोवाइड कराऊँ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ग्राम पंचायत इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। सर ये लेकिन काम कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगी, तो ये तो ग्राम पंचायत को कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो सीधे गाँव वालों से वो डील नहीं करती ना। तो ये वो था। और आपको कुछ क्वेश्चन थे चेयरमैन चेयरपर्सन वाले कि उनको सैलरी कहाँ से मिलती कहाँ से नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर और ना ही मेरे को रियल में कुछ पता गाँव के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेंबर इलेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो मेंबर इलेक्ट करते हैं तो हो सकता है तो सैलरी नहीं मिलती हो। सर आप कहोगे लेकिन रियल में कोई फ्री में काम नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं आता। कॉन्सेप्ट बिजनेस पर्पज से, बिजनेस माइंडेड पर्पज से नहीं आते, कॉन्सेप्ट पता है हेल्थ के पर्पज से। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे तो लोग बिजनेस माइंडेड, तो उसके टाइम पे ये लोग सैलरी, पता है सैलरी तो उनको मिलती नहीं गाँव से, पता है कैसे पैसा निकालते हैं अपना। गवर्नमेंट से सपोज करो 2 करोड़ रुपये ग्रांट आई, तो 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो लगाएंगे अपने पास, और 50 लाख रुपये अपनी जेब में रख लेंगे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इनके बारे में बुक में नहीं लिखा कि ये सैलरी सैलरी है, यानी इलेक्शन है तो गांव वाले इनको सैलरी नहीं देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट से ही अपना खर्चा चलाती हैं। ठीक है, ऐसे आपके वो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे और वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, दोनों 22 चेयरमैन डिप्टी चेयरपर्सन सबों के बारे में सेम ही चीज़ है। ठीक है, एक डिफरेंस पढ़ ले कि विलेज पंचायत में यानी ग्राम पंचायत, पंचम समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या डिफरेंस है। कंपोजिशन, यहाँ पे कम से कम 5 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 31 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सरपंच होते हैं हर गांव के, MLAs होते हैं, MPs होते हैं। ठीक है, और मेंबर जिला परिषद भी होते हैं और BDO भी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है। यहाँ पे DC होता है, डिप्टी कमिश्नर, हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, BDO, चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समितिज, MLAs। ठीक है, ये होते हैं। यहाँ का हेड कौन होता है यानी प्रेसिडेंट कौन होता है, तो विलेज का हेड सरपंच होता है, पंचायत समिति का हेड चेयरमैन होता है और जिला परिषद का वहाँ का चेयरमैन होता है। ठीक है, ये दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, फंक्शन, सिविक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, लुकिंग आउट ऑफ सैनिटेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन पे ध्यान देना, हेल्थ सेंटर्स पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे पंचायतों के काम चेक करना, कराना, हॉस्पिटल
हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पंचायत समितियों के काम संभालना, रिकमेंडेशन देना फॉर ग्रांट, ग्रांट के लिए अप्लाई करना, ग्रांट के लिए अप्लाई, ये दोनों नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट करता है ग्रांट के लिए अप्लाई, फिर डिस्ट्रिक्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन वेरियस प्लान्स वगैरह ये बनाते हैं, कैसे कैसे डेवलप करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ईजी थे क्वेश्चन, सब कर लेना घर पे एक बार। मैं यहीं से नया चैप्टर आपका स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं वीडियो को ऑफ करूँ फिर दोबारा से रिकॉर्ड करूँ, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मैं नहीं पता वीडियो को धोखा दे दे, वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है और वीडियो एरर दे देती है तो और काम खराब हो जाता है। अभी तक जो मैंने पढ़ता वो पढ़ाता है गाँव के लेवल पर, रूरल लेवल पर, रूरल लेवल पर है ना, लेवल पर, अब हमें सेम चीज़ें पढ़नी है एट अर्बन लेवल, एट अर्बन लेवल है ना, एट अर्बन लेवल, ठीक है, और यहाँ पर कोई ग्राम पंचायत है ना, ब्लॉक समिति और जिला परिषद नहीं होता, यहाँ पे हम एक वर्ड बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज बोल रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोल रहे, ठीक है, तब उनके हमें फंक्शंस वगैरह, उनकी मीनिंग वगैरह हमें समझने हैं, उनका स्ट्रक्चर हमें समझना है, ठीक है, या फिर उनका छोटा चैप्टर होगा, बराबर ये लेंथ, खैर कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर ही ऑलमोस्ट। एन अर्बन एरिया इज रिगार्डेड एज वन विच इज अ टाउन और अ सिटी, एन अर्बन एरिया इज रिगार्डेड एज वन विच इज अ टाउन और सिटी, मतलब कह रहे हैं अर्बन एरिया कैसे कहेंगे, बोलिए तो बताओ ना, ठीक है, आपने कहा अर्बन पे एप्लीकेबल होगा, तो अर्बन कैसे किसी जगह को गाँव रूरल या फिर अर्बन क्लासीफाई करोगे, कैसे किसी जगह को रूरल या अर्बन क्लासीफाई करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो अर्बन एरिया की डेफिनेशन आप लीजिए, तो अर्बन एरिया फिर से बोलोगे, अर्बन मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर मिनिमम पॉपुलेशन आपके, मिनिमम पॉपुलेशन आपके क्या है, 5,000, कम से कम 5,000 लोग हैं, तो ये आप उस जगह को अर्बन एरिया बोल पाओगे, 5,000 से एक भी कम है ना, 4,999, तो आप उसको अर्बन ही फिर रूरल बोलना, और एक और कंडीशन है इसके साथ, ये तो पहली कंडीशन थी, एक और कंडीशन है, एटलीस्ट 75% ऑफ हिज पॉपुलेशन शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, दूसरा कि यहाँ के जो 5,000 लोग हैं ना, 5,000 में से कम 75% लोग खेती बाड़ी में नहीं लगे होने चाहिए, एग्रीकल्चर काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं करनी चाहिए, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं फिर ये काय के अर्बन, फिर ये किस तरह का शहर हो गया, फिर तो एक गांव ही हो गया ना, अगर सब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो 75% नॉन एग्रीकल्चर होने चाहिए, सेकंड कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अर्बन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही फिर ये रूरल है, ठीक है, तो अर्बन और रूरल का मीनिंग आपको पता चल गया। अब वो कह रहा है अ टाउन इज जनरली रिगार्डेड एज स्मॉलर देन स्मॉलर अर्बन एरिया, वो कह रहे टाउन को जनरली स्मॉलर अर्बन एरिया कहते नहीं है, तो अर्बन एरिया लेकिन छोटा अर्बन एरिया हो गया, और जो लार्ज टाउन होते हैं उनको सिटीज कह देते हैं, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे इन्होंने टाउन की, अर्बन एरिया की और लार्ज सिटीज की डेफिनेशन क्लियर कर दी। अब आते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू सेंसस कमीशन, सेंसस कमीशन की एक मीटिंग है जो कि पॉपुलेशन को काउंट करती है हर 10 साल बाद, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 40 लाख, ऐसे सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन 40 लाख के भी ऊपर हो गई है, 5,000 है 40 लाख, उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, आप पढ़ चुके होंगे शायद, मैंने आपको पढ़ाया भी है, पता नहीं आपको पढ़ाया किसको पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाती होता हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब इनको शॉर्ट में मेट्रो सिटीज बोला जाता है, तो इनको ना कभी भी आप ये मत समझना मेट्रो सिटीज मतलब जहाँ पर मेट्रो चलती है, जहाँ पर मेट्रो ट्रेन होती है ना, मेट्रो ट्रेन, कुछ लोग समझते हैं कि जहाँ पर सर मेट्रो चलती है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेट्रो ट्रेन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेट्रो ट्रेन से कोई रिलेशन नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो तो डेफिनेशन है वो मेट्रो ट्रेन के बेस पर नहीं, पॉपुलेशन के बेस पर डिफाइंड की गई है, ठीक है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन ऑल दीज एरियाज फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, और जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है, अब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1982 का, वो क्या कहता है, इन मेनी स्टेट्स,
काफी सारे स्टेट्स में जो लोकल बॉडीज होती हैं हैड बिकम वीक, वो काफी वीक हो चुके हैं एंड इन इफेक्टिव ठीक है, लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन। सर क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है सर, लाइक फेलियर टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। सर रेगुलर इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे वहाँ पे, सर सब गुंडे हैं सर, सर अपने दादागिरी दिखाते हैं, अपने पावर दिखाते हैं, इलेक्शन हो नहीं देते, जो एक बार लीडर बनेंगे बस वही बनता जा रहा है। देखो और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, तो मैंने बोला है टीवी में दिखाई देते हैं बेसिकली एज अ रियल। अब इसमें ऐसे क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, रूरल लोकल बॉडीज नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज वर नॉट एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली एज वेब्रेंट डेमोक्रेटिक यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सर वो अर्बन लोकल बॉडीज में काम नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही है? अरे इधर छोटी, मैंने कहा था रूरल बॉडीज हमारे बेसिक यूनिट है, जब वो बेसिक यूनिट हमारे काम नहीं कर पा रहे तो आगे वाले कैसे अच्छे से काम कर पा रहे हैं? तो करके अर्बन लोकल बॉडीज इस वजह से इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इन ऑर्डर टू मेक द अर्बन लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव, अर्बन लोकल बॉडीज को भी इफेक्टिव बनाने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसको नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी म्यूनिसिपालिटीज एक्ट भी बोलते हैं, नगर पालिका एंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट बोलते हैं, वो पास हुआ। सर ये एक्ट क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है, द एक्ट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब क्या, एक सेपरेट लीगल इंडिपेंडेंट स्टेटस देते हैं, यानी गांव के अर्बन लोकल बॉडी को अलग माना जाएगा, बाकियों को अलग माना जाएगा, और अर्बन लोकल बॉडी को एक लीगल बॉडी माना जाएगा, कोई एस सी बॉडी बॉडी नहीं माना जाएगा, ठीक है, लीगल बॉडी माना जाएगा। इससे क्या हुआ, ऐसे उनकी पावर बढ़ गई ना, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एकदम लीगल बॉडी माना जाएगा, उनकी पावर बढ़ गई। द एक्ट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। आप डायरेक्ट इलेक्शन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एक्ट भी आपके साथ है, कोई मना करेगा कैसे, है ना, एक्ट है ना, और एक्ट अगर एक्ट के यानी रूल्स अगर आप फॉलो नहीं, तो पुलिस से फिर आपके लिए फॉलो कराने के लिए, ठीक है। टेन्योर फिक्स किया गया 5 ईयर्स का, है ना, 33% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व, 1/3 सीट, यानी कि 33 मतलब 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए, चाहे वो एस सी हो एस टी हो बैकवर्ड हो, सबों के लिए क्या की गई, रिजर्व की गई, कि ऐसा नहीं कि केवल अपर कास्ट वाले लोग ही इलेक्शन में पार्ट ले, नहीं, ये भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। डीसीपी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, हर शहर में हर हर अर्बन एरिया में एक डीसीपी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए वहाँ के ग्रोथ के लिए, वहाँ के फ्यूचर प्लान्स के लिए, है ना, ये आपको याद रखना है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3-tier लोकल बॉडीज फॉर अर्बन एरिया एज अंडर। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, यही एक्ट वो है जो क्या कर रहा है, 3-tier लोकल बॉडीज का सिस्टम अर्बन एरियाज को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। म्यूनिसिपल काउंसिल जो उनसे थोड़े छोटे होते हैं उनके लिए आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल यहाँ आपको नहीं दिखेगा, म्यूनिसिपल कमेटी लिखा हुआ है ना, और एक नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और नगर पंचायत वहाँ पे मतलब रूरल एरिया था जस्ट, अभी अभी अर्बन एरिया बना है, अर्बन एरिया बनने के फेज में, यानी थोड़ा ग्रोइंग फेज में है, कोई गांव ग्रोइंग फेज में है तो वहाँ पे नगर पंचायत होती है, ठीक है, 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। इन एडिशन वहाँ पर टाउन एरिया कमेटीज भी होती हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट भी होते हैं किसी किसी एरिया में। आगरा में भी कैंट बोर्ड है जिसको छावनी बोलते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली दिया हुआ है उन्होंने, 3 बेसिकली पार्ट बोले हैं, 1-2 की यहाँ पे 3-tier सिस्टम बनाया गया है, 1-2 और नगर पंचायत कहाँ गई, दी नहीं है अपने नगर पंचायत, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ने था, ये सबसे बड़े एरिया के लिए होती है ना, सबसे बड़े एरिया के लिए, महानगर जिसको बोला जाता है ना, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन बिग सिटीज, बड़ी बड़ी शहरों में ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम है, ठीक है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैरीज आउट इट्स फंक्शन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम कैसे करे, थ्रू वेल ऑर्गेनाइज डिविजन और डिपार्टमेंट, बहुत वेल ऑर्गेनाइज डिविजन होते हैं, इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू, फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल अंडरटेकिंग जो हमारे वाटर वर्क पे होता है, हाउसिंग बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शहर के एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं,
वहाँ उस शहर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही नहीं हो रही है, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर लुक्ड आफ्टर बाई एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन। सर इन डिपार्टमेंट को हेड कौन करते हैं? एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड लोग करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे बड़े कौन होते हैं? मेयर। उनसे छोटे कौन आता है? जनरल काउंसिल। उनसे नीचे स्टैंडिंग कमिटीज, उनसे नीचे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स। ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में अगर दिया होगा तो, दिए हुए हैं। छोटे बड़े कुछ नहीं है, इनका अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बस मेयर बड़े ही होते हैं, पर मैंने पता नहीं आगे पीछे दिए हुए हैं, देखते हैं क्यों दिया हुआ है ऐसा, है ना। द मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड इन द सेम वे एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कह रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग उसी तरह सेलेक्ट होते हैं जिस तरह से एमएलए होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं। ठीक है, हाउएवर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी म्यूनिसिपल एरियाज आर नोन एज वार्ड्स। सर जब सीएम के पीएम के इलेक्शन होते हैं तो जिस एरिया की हम बात करते हैं कि इस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव ये है, तो आप उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। लेकिन जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं ना, तो उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बोलते, हम उस एरिया को वार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड, है ना। द इलेक्शन आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको बता चुका हूँ इसका मीनिंग क्या है। थ्रू सीक्रेट बैलेट। थ्रू सीक्रेट बैलेट होता है क्या? आप सीक्रेटली वोट देते हो, किसको पता नहीं चलता किसको देख रहे हो। ठीक है, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन सेटिंग। सर कितने ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिपेंड करता है कितनी बड़ी सिटी है, कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो सिटी में है ही 5 हज़ार लोग, 5 हज़ार लोगों के लिए क्या आपको लगता है 4 से 5 में 6 से 7 पार्टी होंगी? नहीं, हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ कि 4 ही पार्टी होंगी या 6 ही होंगी या 2 होंगी या 1 होगा, एक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। टर्म टर्म वही है, 5 ईयर्स डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंदर। क्या किसी को 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं? किसी को हमने एमएलए बना दिया अपने एरिया के, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड बना दिया, क्या उसे 5 साल से पहले हटा सकते हैं? हाँ, इट कैन बी डिजॉल्व्ड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ टर्म। ठीक है, उसको 5 साल से पहले हटाया जा सकता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नमेंट के गवर्नर के थ्रू। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर बोला, उस स्टेट के गवर्नर के थ्रू। और उस गवर्नर को बाप गवर्नर तक की बात कैसे पहुंचेगी? बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर की काउंसिल जब उनको एडवाइस करेगी तब तब मिनिस्टर के थ्रू ये बात उन तक पहुंचानी होगी। हाउएवर द इलेक्शन फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सन। और देखते हैं इलेक्शन ऐसा हो कि आज 1 अप्रैल 2021 को आप बने, ठीक है, इलेक्शन हुआ, देखते आप आज बन के लीडर, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड बन गए। अब 5 साल कब होंगे? 31 मार्च 2026 को, 2026 को, तो सिर्फ 31 मार्च 2026 के बाद आप इलेक्शन करो, नहीं, 31 मार्च को जब 5 साल खत्म हो रहे हैं तो उस टाइम तक आपके इलेक्शन भी खत्म होने चाहिए। यानी जो नए साल के जो नए लीडर के लिए इलेक्शन होंगे ना, वो ये नहीं कि आप एकदम खत्म करने के बाद स्टार्ट करो, नहीं, आपके गद्दी छोड़ने से पहले वो इलेक्शन हो जाने चाहिए। यानी 31 मार्च 2026 से पहले इलेक्शन आपके क्या हो जाने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर सर बीच में से हटा देते हैं तो, इनकेस ऑफ डिजोल्यूशन, बीच में से हटा देते हैं तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ ऑफ डिजोल्यूशन। तो सर आपको अगर बीच में से हटाए बिना टर्म कंप्लीट किया तो वो 6 महीने के अंदर दोबारा से आपको इलेक्शन कराने होंगे। 6 महीने का टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है, 6 मंथ का आपको पीरियड दिया हुआ है। कंपोजिशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती कैसे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है? दो सेकंड रुकना। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्राइजेज द फॉलोइंग: जनरल काउंसिल,
द मेयर, द स्टैंडिंग कमिटी कमिटीज, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। जनरल काउंसिल क्या होता है? क्या पढ़ोगे सर, एक बार ट्राई करोगे? हाँ सर कर लेते हैं, चल मैं पढ़ा देता हूँ। द जनरल काउंसिल इज फॉर्मड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। जनरल काउंसिल जो होता है ना, वो किन से बना होता है? जनरल काउंसिल इलेक्टेड मेंबर से मिलकर बना होता है, इलेक्टेड मेंबर से, ठीक है। और उन मेंबरों को हम पता है क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल काउंसलर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल काउंसलर्स, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो कि जनरल काउंसिल जो होती है इज फॉर्मड ऑफ म्यूनिसिपल काउंसलर्स, ठीक है। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड, सर इनको भी इलेक्ट कैसे कहते हैं भाई? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सेंसस, ठीक है, थ्रू सीक्रेट बैटल बैलेट, ठीक है। आपको भारतीय का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, टाइम ज्यादा लगता है, आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। द नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉर्पोरेशन डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन सिटी, सर कितने सीट होंगी यहाँ पे? कोई एक्ट में लिखा हुआ, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, इन डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को डिटरमाइन करेगी। दे आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर स्केड्यूल कास्ट, सर जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं कुछ लोगों के लिए, SC ST के लिए। द जनरल काउंसिल को सम मेंबर्स एज एल्डरमैन, जनरल काउंसिल में कुछ को-ऑप्ट मेंबर भी आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डर मैन। जिसको हम क्या कहते हैं? को-ऑप्टेड मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एल्डर मैन। दे आर जनरली एमिनेंट पर्सन ऑफ द सिटी, बेसिकली जो लोग होते हैं ये एमिनेंट पर्सन होते हैं सिटी के, फेमस लोग हैं ना, एंड आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर, और ये गवर्नर इनको नॉमिनेट करते हैं। जनरल काउंसिल अपॉइंट्स मेन अदर ऑफिसर्स, इसके अंदर क्यों बोलिए जनरल काउंसलर्स नहीं होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं एक्सेप्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर को छोड़ दो और लोग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेयर पर। मेयर द काउंसलर्स टुगेदर विद द एल्डर मैन इलेक्ट, यानी मैंने बोलता सबसे बड़े होते हैं, हाँ तो बड़े ही होते हैं, क्या लिखा हुआ है? जो काउंसलर्स होते हैं जनरल काउंसलर्स भी वो पढ़े थे, अलोंग विद द एल्डर मैन, अलोंग विद एल्डर मैन, वो फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं अपने लिए मेयर, अमंग देम सेल्फ द मेयर, अपने आप में से अपने बीच में से किसी के इंसान को मेयर सेलेक्ट करते हैं और एक डिप्यूटी मेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जी एक साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, बट कैन बी रिजेक्टेड एनुअली फॉर द फुल टर्म ऑफ द कॉर्पोरेशन, दोबारा से रिअपॉइंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेयर के काम क्या है? फंक्शंस ऑफ द मेयर, फंक्शंस ऑफ द मेयर, फंक्शंस को हम चलो अब बाद में पढ़ते हैं, मेरे जाने का टाइम हो गया। तो भीमा, तो भीमा।